हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं वार्षिक राशिफल 2022 का। और इस कार्यक्रम में चर्चा होगी आपके साथ जो तुला राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके वार्षिक राशिफल के विषय में। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे उनके व्यवसाय को लेकर, उनके प्रोफेशन को लेकर के, और जानेंगे कि आप तुला राशि के जो जातक हैं उनका ये 2022 जो वर्ष आने वाला है प्रोफेशन को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं आरंभ। तो बताना चाहेंगे कि इस वर्ष आपके करियर का जो स्वामी है कुंडली में नीच राज योग बना रहा है, परंतु केतु के कारण योग कुछ कमजोर पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे या अभी कर रहे हैं, उस पर कुछ अन्य लोग उसको बेकार का साबित करने में भी पीछे से लगे रहेंगे। यानी कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को कहीं ना कहीं कुछ लोग उनकी ये कोशिश रहेगी कि उसको बिल्कुल ये साबित करें कि ये मेहनत किसी काम की नहीं है जी, यूजलेस। इसका आपको ध्यान रखना है, इस चीज से आपको सतर्क रहना होगा, ऐसे लोगों से भी सतर्क रहना होगा। वर्ष के आरंभ से अप्रैल के मध्य तक आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी ऐसे जो लोग हैं। और जो लोग डेयरी या लिक्वर सिनेमा, विदेशी आवागमन और समुद्री पदार्थ और खेलकूद के क्षेत्र आदि से जुड़े हुए हैं, वे इस वर्ष अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। जो लोग एक तरीके से अगर कहें तो जो औद्योगिक उससे जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑटो इंडस्ट्री है जैसे कि, उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और यहां तक बता दें आपको कि नई नौकरी, उन्नति और विदेश में जाकर नौकरी के योग भी बनने वाले हैं आपके इस वर्ष। यह वर्ष नौकरी से जुड़े लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होने जा रहा है। इस वर्ष जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने व्यापार में काफी उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। उनको भी अपने व्यापार को लेकर के इस वर्ष बहुत सतर्क रहना है, सोच समझ करके डिसीजन लेने हैं। इस वर्ष आप अपने व्यापार में धन का निवेश अगर करना चाहते हैं, अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करने के लिए या उसको और आगे एक्सपेंड करने के लिए, तो उसके लिए बहुत ही सोच समझ करके आप इन्वेस्टमेंट करें। आपकी छोटी सी लापरवाही या जल्दबाजी का आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है इस वर्ष। तो ये स्थिति विशेष रूप से वर्ष के आरंभ से लेके और वर्ष के मध्य तक ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हालातों में होगा सुधार धीरे धीरे। ये स्थिति रहने वाली है आप तुला राशि के जो जातक हैं उनके प्रोफेशन को लेकर के। इस वर्ष वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल मतलब कंडीशन, आपके धन का स्वामी जो मंगल हैं आपकी राशि से दूसरे घर में स्वयं ग्रही होकर चंद्रमा और केतु के साथ युति कर रहे हैं। वर्ष के आरंभ से लेकर अप्रैल के मध्य तक धन संबंधित परेशानियां आपको बनने वाली हैं। हालांकि अप्रैल मध्य के उपरांत समय अनुकूल होने के कारण हालात तेजी से सुधरेंगे तथा धन की स्थिति भी साथ साथ सुधरेगी, उसमें भी सुधार होगा। आपका रुका हुआ धन भी आपके पास वापस आपको मिल पाएगा। यह वर्ष धन को लेकर सामान्य से थोड़ा ऊपर इसको कह सकते हैं कि रहने वाला है। प्रेम संबंधों को लेकर के यह वर्ष आपके लिए तुला राशि के जो जातक हैं कैसा रहेगा, तुला लग्न के जो जातक हैं, तो बताना चाहते हैं कि यह वर्ष आपके प्रेम संबंधों को लेकर मिले जुले परिणाम आपको देने वाला है। वर्ष के आरंभ में ग्रहों के अनुसार आपके प्रेम संबंधों को लेकर अच्छे योग तो बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने साथी का जो पार्टनर होगा
फ्रेंड होगा उसका दिल जीतने में भी सफल रहेंगे। इस वर्ष आप अपने पार्टनर से ज़्यादा उम्मीद ना रखें, आपको किसी ऐसी कोई मतलब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपको अगर ऐसा करते हैं तो फिर निराशा ही हाथ लगेगी। आप अपने पार्टनर से कोई बात बिल्कुल ना छुपाएं किसी भी तरीके की, एकदम ऑनेस्टली उसको टैकल करें, हैंडल करें, वरना इसके विपरीत प्रभाव भी आपके पार्टनर की ओर से आपको देखने को मिलेंगे और आपके संबंध भी इससे प्रभावित होंगे। इस वर्ष कुछ ऐसी संभावना भी बन रही है कि आपका ध्यान आपकी गृहस्थी से इधर उधर की ओर भटक सकता है, जिसके कारण से आपके जीवन में कुछ समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी, उसकी संभावना भी बहुत अधिक है। कोई अन्य व्यक्ति आपके बीच में, यानी कि आपके कह सकते हैं कि जो आपके जीवन साथी और आपके दोनों के बीच में दरार डालने की भी कोशिश कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन, इस बात से भी आपको काफी सावधान रहना है। मार्च और अप्रैल के मध्य तक आपके बीच, आपके और जीवन साथी जो हैं आपके, उनके बीच तनाव की संभावना है, तनावपूर्ण वातावरण बनेगा। आप अपने जीवन साथी के कठोर वचनों से भी आहत हो सकते हैं। वैसे अगर आप चाहेंगे या आप चाहते हैं कि आप दोनों के संबंध अच्छे रहें, तो इसका एक ही उपाय है कि एक दूसरे के साथ बैठ करके अपने शिकवे शिकायत वाद विवादों को दूर करें बातचीत के माध्यम से। पारिवारिक संबंध, यह वर्ष आप तुला लगन के जातकों के पारिवारिक संबंधों के मामले में मिलाजुला परिणाम देने वाला है। इस वर्ष के आरंभ से लेकर अप्रैल के मध्य तक पारिवारिक जो हालात हैं वो आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। आपको अपने परिवार के सदस्यों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है किसी ना किसी बात को लेकर के। ये सब देखकर आप मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो सकते हैं, विचलित हो सकते हैं। हालांकि माह अप्रैल के मध्य से हालातों में आपको सुधार होता भी दिखाई देगा और परिवार में प्यार और सहयोग भी बढ़ेगा। शिक्षा, छात्रों के लिए ये कैसा वर्ष रहेगा 2022, उनकी शिक्षा को लेकर तुला लगन के जो जातक हैं तो बताना चाहते हैं कि यह वर्ष छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के काफी सफलता प्राप्ति कराने वाला रहने वाला है। आप अगर किसी बड़ी परीक्षा में बैठना चाहते हैं या बैठ रहे हैं तो भी आपके सफलता की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अप्रैल के बाद का समय आपके लिए कुछ ज्यादा सफलता दिला देने वाला रहेगा। प्रिय साथियों, संतान को लेकर के कैसा रहने वाला है माता पिता के लिए, तो जो दंपत्ति लंबे समय से संतान पाने की उम्मीद लगा करके बैठे हैं और अभी तक उनको ये सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये वर्ष हम बताना चाहते हैं कि उनकी झोली में खुशियां डाल सकता है। माता पिता को अपनी संतान द्वारा सफलता प्राप्ति पर गर्व होगा, उनके किए गए कार्यों पर गर्व होगा तथा उनका समाज में मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहेगा ये वर्ष 2022 आप तुला लगन के जातकों के लिए, तो यह पूरा वर्ष आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी शुभ रहने वाला है। लेकिन जो लोग पिछले काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, बीमार हैं, वायु विकार आदि से किसी ना किसी परेशान मतलब रोग को लेकर के, उनके लिए महामई का समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप अपने खान पान और अपने स्वास्थ्य पर कुछ अधिक ध्यान दें, नहीं तो जैसा हमने कहा कि आपको पेट से संबंधित रोग भी परेशान कर सकते हैं। हालांकि कोई बड़ी शारीरिक समस्या होने का तो कोई योग दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य पर आपको अगर ध्यान देते हैं तो समस्याएं अधिक पैदा नहीं होंगी। अंत में उपाय क्या किए जाए कि जिसके कारण आपकी जो नकारात्मक परिणाम है वो भी दूर हो जाए, तो इस मंत्र का करें जाप जो हम आपको बता रहे हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।
एक माला या तीन माला प्रतिदिन पाठ करें, मतलब जप करें इस मंत्र का, और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें प्रतिदिन। ये उपाय आपने करने हैं, बहुत साधारण उपाय हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लगन के जो जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको शेयर भी अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे तो दूसरे भी इसका लाभ ले सकते हैं। और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे जो और नए कार्यक्रम के जो वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।